नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अक्सर बरसते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एक बार फिर से वो सपा पर बरसे और जमकर निशाना साधा। दरअसल मिर्जापुर जिले के चंदोईपुर में आयोजित वृहद रोजगार मेले में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब सपा की सरकार थी तो न सुशासन था न रोजगार था, केवल और केवल गुंडागर्दी थी और अपराध था, माफियागिरी थी। देश में मोदी सरकार से पहले जब जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल घोटाला ही घोटाला होता था। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ना ही सुशासन था ना ही रोजगार था, सिर्फ और सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार था। उन्होंने कहा कि देश में 2014 से पहले सिर्फ घोटाला ही घोटाला नजर आता था। आए दिन टीवी पर कांग्रेस का घोटाला दिखाई देता था, लेकिन जब से देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई है तब से देश तेजी से प्रगति कर रहा है। इसी प्रकार साल 2017 में उत्तर प्रदेश में लोगों ने मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार बनाई, तब से देश के साथ प्रदेश भी तेजी से विकास के पथ पर दौड़ रहा है। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को मिर्जापुर स्थित ग्राम चंदाईपुर में वृहद रोजगार और ऋण मेला और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश को कमजोर करने का भी काम करते हैं, लेकिन अगर देश की जनता, प्रदेश की जनता, मजुआ की जनता, भारत की जनता पार्टी के साथ है तो यह जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं ये चारों खाने किंत नजर आएंगे। ये स्वप्न तो देखेंगे वो मेरी लाल के, लेकिन 2024 में सत्ता नहीं पाए, 2029 कौन कहे, 2047 तक देश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी शासन में देश विकसित भारत बनाने तक रहेगी। हम अमेरिका के पीछे नहीं, हमें तो विश्वास है कि हमारा भारत ऐसा भारत बनेगा जब पूरी दुनिया भारत के पीछे खड़ी होगी। बताओ खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी, दोनों हाथ में खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी। आप सबकी ताकत चाहिए। अंत में मैं आप सब से ये निवेदन करूंगा, अभी मधुआ विधानसभा का उपचुनाव है, जनपद मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र में आज बृहद रोजगार मेला और टैबलेट वितरण समारोह का सफल कार्यक्रम संपन्न हुआ है। रोजगार मेले में अभी सूचना, जब मैं बोल रहा था तब तक की सूचना के हिसाब से 7500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 2500 लोगों को उनको रोजगार प्रदान करने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया है। हमारी सरकार का प्रयास है प्रदेश का विकास, मिर्जापुर का विकास, मझुआ का विकास। कार्यकर्ताओं की एक भारी भीड़ आई थी, हमारे समूह से जुड़ी हुई दीदियों की भारी भीड़ आई थी और सब में जबरदस्त उत्साह है और जो चुनाव होने वाला है उसमें भाजपा जीते। अच्छा, ये एक आरोप लगाया जा रहा है, सपा ने निर्वाचन आयोग से भी लिखा है कि 13 लगभग 12 यहाँ पे बीएलओ मुस्लिम बीएलओ थे इसलिए उनको हटा दिया गया। ये उनके चश्मे आँख की जांच करा लें, उनसे कहला दीजिए अगर आप खबर पहुंचा सके, आँख की जांच कराऊं। जो सरकारी कर्मचारी होता है ना वो हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, केवल सरकारी कर्मचारी होता है। और जिले में जो निर्वाचन के अधिकारीगण हैं उनको किसे रखना किसे नहीं रखना, वो मुस्लिम वोट बैंक जुटाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी से सपा की साइकिल में हवा नहीं भरने वाली, साइकिल हवा में उड़ने वाली। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। देखा जाए तो यूपी में 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के ये बयान काफी मायने रखते हैं। जहां एक और वो सपा पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए तो वहीं कांग्रेस पर भी हमला बोलते नजर आए हैं।
फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।